वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी GTA 5 के अंदर ये जो लग्जरी कार शोरूम है कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त लग्जरी शोरूम है जो ये मैंने खुद बनाया है। फ्रेंड्स, फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। फ्रेंड्स, ये हिल साइड के ऊपर ये बन चुका है हमारा शोरूम। तो इसका मतलब कि आप लोगों को मैं लोकेशन दिखा सकता हूँ, तो बिल्कुल हिल साइड के ऊपर ही, क्योंकि आप लॉस एंटोस को देखें तो ये है बनहाम कैनियन में आप लोग को ये शोरूम मिलेगा बिल्कुल सामने। तो इसको ऐड करने का तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले शोरूम के ऊपर नज़र मार लें तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसमें लाइटनिंग है। रात के टाइम की इसकी अलग ही लुक आती है फ्रेंड। तो बिल्कुल रोड के ऊपर आप लोग को मिलेगा, यहाँ से इसकी पार्किंग है। एंड सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रात का टाइम का व्यू है। सो यहाँ पे आगे आपको बिल्कुल ये रात के टाइम का व्यू है। सो यहाँ पे विंटेज कार अंदर सारी कार्स भी आपको मिलेंगी और लाइटनिंग का बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये यहाँ पे यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको मुझे यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट करना है, इंस्टा पे आप लोग को मुझे फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगेन आवर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड यहाँ से आप दबाएंगे डाउनलोड। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पूरी फाइल हो जाए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस पर। हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको हम लोग ज़रा लेंगे डेस्कटॉप के ऊपर और अपना ब्राउजर बंद कर देंगे। आप ब्राउजर का और इंटरनेट का काम ख़त्म। सो यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट द फाइल। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है आपको पता है, किसी भी एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में विड्रॉल है मेरे पास, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मैं यहाँ पे सामने ही करूँगा। तो फुल फोल्डर के साथ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, वी डू नॉट नीड मोर। सो ये लग्जरी कार शोरूम है, इसको हम लोग एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मैंने फाइल दी है आपको हिल साइड की लग्जरी कार शोरूम की फाइल मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे कुछ इसकी पिक्चर्स हैं, जो एक्स्ट्रा पिक्चर्स मैंने दे दी हैं, सारी हैं पिक्चर्स, आप देख सकते हैं। इसको मैंने पूरा एक रैंप दिया जो बिल्कुल रोड पे गाड़ी उतारता है। फ्रेंड्स, ये एडिशन मैंने वहाँ पे नहीं दे सका, सॉरी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अब इसके आपको एक टेक्स्ट मिलेगा जिसके अंदर पूरे इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं और मेरे चैनल का लिंक भी है जिसको आपने मतलब के सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे जो मेन फाइल है दिस इज दैट। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पहले जाना है GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में। यू हैव टू राइट क्लिक ऑन GTA 5 एंड ओपन फाइल लोकेशन। तो अपनी फाइल लोकेशन खोलना है, यहाँ पे आपकी फाइल लोकेशन खुल चुकी है। सो आपको मेन्यू स्टफ, मतलब कि अगर इसके लिए आपको मेन्यू होना ज़रूरी है आपके डाउनलोड में, तो मेन्यू आपको इंस्टॉल करना है। मेन्यू स्टफ में जाना है, यहाँ पे आपको स्पूनर देखेगा, स्पूनर में जाना है और यहाँ पे आपको वो फाइल ऐड करनी है जो मैंने थर्ड नंबर पे आपको फाइल दी हुई है, विच इज़ दिस फाइल। फ्रेंड्स, अभी मैं इनको आमने सामने कर देता हूँ। और ये वाली जो फाइल है फ्रेंड्स, आपको एक्सएमएल फाइल दिख रही है, वैसे यहाँ पे पहले भी ऐड है, तो मैं इसको दोबारा आप लोग के लिए ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने इसको रिप्लेस फाइल कर दिया है, तो ये फाइल मैंने रिप्लेस कर दी है। बाकी पिक्चर्स और टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर अगर आपको मैं दोबारा दिखा दूँ तो क्या है पूरा इंस्टॉलेशन स्टेप है। तो जल्दी से गेम के अंदर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि भाई असल में ये फाइल आपको कैसे है लोड करनी है। सो लेट्स इंटर इनटू आवर गेम। इस टाइम पर मैं GTA 5 के अंदर आ चुका हूँ। सो लेट्स गो टू दैट लोकेशन, उस लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ जो मैंने आप लोगों को बता दी है कौन सी है। तो ये है अभी सबके लोकेशन, तो मैं आप लोग को और गाड़ी का बुरा हाल कर दिया। तो लोकेशन इस वक्त है बिरहान का नियॉन, जैसे मैंने आपको बताया बिरहान। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन यही है, आप लोग कुछ जहाँ पे ये जैसे वो नहीं ग्रिल टाइप की ख़त्म हो रही है, वहीं पे आके आपको यहाँ रुक जाना है। तो उतर जाना है गाड़ी से। तो अभी आप लोगों को मैं इंस्टॉल करने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाए, तो यही जगह है। सो यहाँ पे आपको F8 दबाना है, F8 दबा के आना है ऑब्जेक्ट स्पूनर तक, ऑब्जेक्ट स्पूनर दबा के आपको आना है मैजिक से फाइल तक, एंड देन लग्जरी कार शोरूम, देन यू हैव देखें रेफरेंस यही रहा, तो आपको लोड प्लेसमेंट्स में दबा देना है। तो फ्रेंड, लोड प्लेसमेंट्स मैंने दबा दी, अब कुछ ही देर में भाई आपकी प्लेसमेंट्स लोड हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इस टाइम आप देख सकते हैं लोड हो चुका है। तकरीबन 2 मिनट लिए थे भाई इसे डाउनलोड, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, क्योंकि इसको बनाने में मुझे बहुत वक्त लग रहा था। फ्रेंड्स, आप यहाँ की फर्निशिंग नहीं इस तरह चलेगी। अब मैं आपको F9 दबाता हूँ और सही करके दिखा देता हूँ हर एक चीज़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, जिससे दूर से ही पता चल जाएगा कि आपका ही है ये, क्या कहते हैं, शोरूम। और ये रहा भाई शोरूम की लुक। तो फ्रेंड्स, बहुत प्यारी लुक मैंने इसको दी, मतलब कि बहुत टाइम लगा। तो फ्रेंड, ये रैंप पे जो जाओ के वो रोड पर ख़त्म होता है,
और ये है इसकी सामने से लुक भाई, फर्निश लुक टाइप की आप देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त बनाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ भी मैंने खड़ी की, ये मॉडिफिकेशन रूम है। तो ये पार्किंग है हमारी छोटी सी, तो देख रहा है ये पार्किंग है, और ये हमारी एंट्रेंस है सही है, और वो रहा टावर, और यहाँ पे कुछ बोर्ड मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे भी। सो ज़बरदस्त एंट्रेंस हमारी बहुत प्यारी होने वाली है, अगर हम चाहें तो रोड से भी एंट्रेंस दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हल्का सा मैं अंदर से लुक दे देता हूँ आप लोगों को कैसा लगेगा। सो यहाँ पर भी सीढ़ियों से हम चढ़े, और यहाँ पर पूरी प्लेटें जो है ना कलरफुल वाली प्लेटें, तो रात भी करके दिखा दूँगा मैं आपको। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मेरे अंदर लुक प्यारी दे दी है। तो अंदर जरा चले तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन रूम है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लॉन्च है वो रहा एटीएम में, वहाँ पे बंदा निकाल भी है पैसे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं गाड़ियाँ बहुत न्यू भी मैंने खड़ी की हुई ज़बरदस्त, और ये विंटेज कार वहाँ पे लोग बैठे हुए भी, और ये मेरा मतलब कि आप सामने लाउंज मीटिंग, और यहाँ पे आप इंटर हो ना, ये रहा हमारा कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाई इस बंदे का रूम है जो मतलब पूरे शोरूम को डील करेगा, मतलब क्या मालिक का। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत आला है, तो यहाँ पे लाइटनिंग अफेक्ट मैंने बहुत ज़बरदस्त दी है। तो यहाँ से जो गाड़ी मतलब कि बंदा खरीद सकते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से निकालेगा, और अगर कोई ऑनलाइन सिस्टम मतलब कि ऑनलाइन भी मंगवाता है तो हम लोग के लिए यहाँ पे ट्रेलर्स खड़े हुए जो जाके ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पूरा गेट है, जब चाहें तो बंद भी कर सकते हैं खुद बखुदी। सो होप सो यू लाइक दिस फ्रेंड्स। तो एक बार मैं रात का लुक दे देता हूँ आप लोगों को, तो लेट्स गो इनटू नाइट। सो यहाँ पे इस टाइम पे मैंने रात कर दी, चलें अब ये ठीक है, रात की 11 बजे। तो ज़बरदस्त, तो रात के टाइम थोड़ा सा ना हल्का सा इसमें लैग लैग आने लग जाता है, थोड़ा हैवी हो जाता है क्योंकि इसमें लाइट्स जो है ना उनका भी अब काम शुरू हो जाता है ना। तो फिर आप देख सकते हैं तो लाइटिंग अफेक्ट हुई, रात के टाइम में भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा, मैंने इतनी लाइटनिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत हैंग गेम होने लग जाएगी, हल्की फुल्की लगे, ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम में ना लाइटें भी चलने लगती हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ी हैवी हो जाती है बिल्कुल। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बाइक की भी लोग किया, तो आप लोग जल्दी से गाड़ी में आपको पूरा रैंप दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी मेरे सामने से आपको देखें लोग ज़बरदस्त मिल गए, ये पार्किंग में कैसे खड़ी करनी है गाड़ी ये भी मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल पार्किंग में जाके आप खड़ी करें, तो पार्किंग में ऐसे आपको खड़ी कर दी गाड़ी, देख सकते हैं बिल्कुल आराम से लोग असल में इससे धक्का दे दिया, वरना पार्किंग बड़ी स्मूथली जा रही थी। तो अब ये सुपर कार को थोड़ा सा लग वक्त सकती है इससे, तो यहाँ पे गाड़ी पूरी चढ़ चुकी है भाई अंदर, तो अभी हम उतरते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। तो फ्रंट पूरा भी रैंप दिखा देता हूँ मैं आपको, जल्दी चलते हैं रैंप की तरफ। तो रैंप कैसे चढ़ना है आपने और यहाँ तक आना है पूरा मैं दिखा देता हूँ, जल्दी करें भाई, एक गाड़ी बहुत आला है मेरे पास इस वक्त, तो मैं डायरेक्ट जंप ले लेता हूँ गाड़ी, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं, तो रैंप मैंने थोड़ा लंबा बना दिया है ताकि मज़ा भी आए, शोरूम पर अलग ही लुक है, मैं चाह रहा था कि डायरेक्ट मेन रोड पर उतरे गाड़ी, लेकिन फिर बहुत ही अजीब सा लग रहा था, यहाँ तक भी बहुत लंबा बन गया है उससे। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा रैंप, रैंप का हल्का सा यहाँ पे ना ये क्लैग है कि ये डबल नहीं है सही रैंप को, बाकी ये बहुत आरा बना हुआ है भाई। तो यहाँ पर करें तो इसमें आपको ब्रेकर्स मिल जाएंगे ताकि भाई स्पीड आप ना करें, और अगर यहाँ पे आप बहुत स्पीड चलेंगे तो गाड़ी उठ भी जाएगी, बता रहा हूँ हाँ, बैरियर्स तो लगा दिए हैं लेकिन तब भी एहतियात से चलना, क्योंकि आगे कैसा बोले वहाँ पर अगर मैं स्पीड में चलूँगा तो सीधा उतरूँगा नीचे, तो ये रहा ये वाली जगह, अगर यहाँ पर स्पीड से आऊँ तो बिल्कुल नीचे जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम पर मैं पहुँच चुका हूँ, और रात के टाइम फाइनल रोक के भाई यहाँ पर समझ आ गई फ्रेंड, तो यहाँ पे बस इंटर हो जाना है पूरा शोरूम के अंदर। तो फ्रेंड होप सो यू लाइक माय वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे न्यू मोर वीडियो में नेक्स्ट टाइम, और फ्रेंड प्लीज़ लाइक mode.com। तो फ्रेंड इसी मोड का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाके इसको डाउनलोड कीजिए बल्कि शोरूम को। तो फ्रेंड्स वी विल मीट सून, बाय।